अभी अभी ताजा तरीन खबर आई है लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के परवैया पिकेट से। जंगली इलाके में पिकेट की स्थापना इस मकसद से की गई थी कि यहाँ पर पुलिस और पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित होगा और जो असामाजिक तत्व है, जो नक्सल इलाका है, उसे प्रभाव उसको प्रभाव से दूर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत होती नजर आ रही है। आज सुबह तड़के जब एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, उसके बाद पब्लिक पूरे पिकेट को घेर लिया। घेरने के बाद फिर मामला सामने आया कि जो पिकेट प्रभारी है आशीष सिंह, उन्होंने लौकू सिंह नामक एक युवक को जबरन बेवजह बुरी तरह पिटाई की है। पिटाई करने की वजह युवक से जब पूछा गया, घायल युवक से, तो उसने बताया कि वो डाल्टनगंज के लिए जा रहा था और पिकेट प्रभारी ने उन्हें पानी लाने के लिए कहा था। पानी लाने में उसने असमर्थता जताई, उसके बाद उसकी जम करके अंदर थाने ले आकर के पिटाई की गई। दूसरा गाड़ी ने दिया था पानी, हाँ, तो वो करने वो नहीं लाना, तो हमको टाइमली गाड़ी था, डाल्टनगंज जाते थे, हाँ, तो हमको टाइम हो गया था, हाँ, तो फिर हमरा बोला कि बाबू आप आन दीजिएगा, तो हम बोले कि नहीं आने पाएंगे सर, हमको टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, तो इतने ने कह के आप पिरटते ले गया अंदर बड्डी के, के, के। उस लोग कोई लोग मारता पीटता है, एक ड्राइवर था, उसको लोग पानी लाने के लिए बोल रहा था। वो ड्राइवर जो है सो डाल्टनगंज से बरवैया चलता है, उसको मनिका में रुकने ठहरने का टाइम नहीं मिलता है, तो बेचारा कहा कि हम पानी नहीं ला पाएंगे। इसी में धर के प्रभारी अपने से गाड़ी से खींच के निकाला, वहां से मारते मारते पिकेट में बंद करके पांच छह को जवान मिल के अब अपने मारा और फिर बाहर निकालने के बाद भी मारा है, हमारे सामने लाठी तोड़ दिया है मार के। क्या सबसे बड़ा सवाल है कि परवैया पिकेट की जो स्थापना की गई थी उसके पीछे मकसद था, वो नक्सल प्रभावित इलाका जंगली इलाका रहा है, जहां पर आने वाले दिनों में उस इलाके को सुरक्षित बनाना जनता की सेवा के लिए ही मूल रूप से पुलिस की पिकेट की स्थापना की गई थी। लेकिन पुलिस का ये रवैया कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ नहीं होने वाला, नहीं बल्कि पब्लिक से दुराव करने वाला है, जिसको लेकर के अब वहां पर स्थानीय डीएसपी पहुंचे हैं और डीएसपी ने तत्काल दोषी पिकेट प्रभारी कर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन लोग इस बात पर अड़े रहे कि उन पर FIR दर्ज हो और उन्हें यहाँ से हटाया जाए, इसको लेकर के अब आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये पहली घटना नहीं है परवैया पिकेट में, ये परवैया पिकेट में पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि ग्रामीणों को भी पुलिस का साथ देना चाहिए, वहीं पुलिस को भी ग्रामीणों की मनसा समझनी चाहिए।